वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम वाइफ। मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में आज मैं स्टार्ट करूंगी संविधान के प्रमुख भाग। और भी मैं वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के बना चुकी हूँ, प्लीज आप लोग उसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में आता है। और रेलवे, SSC, UPPSI, UPPCS हर एग्जाम में से क्वेश्चन आना तय है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले क्या है, एक तरफ हमने भाग लिख दिया है, प्रावधान लिख दिया है, इसमें क्या बातें की गई हैं, आर्टिकल लिख दिया है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। जो इम्पोर्टेंट उसको लिख दिया है, पहले आप लोग इसको याद करिएगा, और जो 4-5 बच्चे हैं उसको मैं बाद में आपको याद करा दूंगी। तो पहला भाग क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कितना है? 1 से 4। पहले में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। चाहे भाग हो, चाहे अनुसूची हो, या फिर आर्टिकल हो, उसमें क्या क्या सबसे पहले क्या दिया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या दिया गया है, नागरिकता 5 से 11। आर्टिकल कितना है, 5 से 11। भारत में कैसे नागरिकता पाई जाती है, कब से स्टार्ट हुआ ये प्रावधान, तो दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता। तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार। आर्टिकल कितना है, 12 से 35। चौथी में क्या है, चौथे भाग में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कितना है, 36 से 51। फिर है 4 का, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य। इसका कौन सा आर्टिकल है, 51 का। ये कब जोड़ी गई, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। फिर आ जाइए संघ, इसको पहले आप याद करिएगा 1 से 4। ग्रुप वाइज याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर आ जाइए पांचवे में क्या है, संघ। संघ मतलब केंद्र। केंद्र में क्या क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, संघार्थी कितना हो जाएगा, 52 से 151 तक। फिर आ जाइए 6 में क्या है, भाग 6 में, भाग 6 में है राज्य। आर्टिकल कितना है, 152 से 237 तक। राज्य में क्या क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सब किस में आ जाएंगे, राज्य में आ जाएंगे। फिर सातवें भाग को निरस्त कर दिया गया था, कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। आठवें भाग में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ यानी कि केंद्र, राज्य क्षेत्र। फिर आप लोग इसको ग्रुप वाइज याद करिएगा, जैसे 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 निरस्त कर दी गई, कब की गई, 7वें संविधान संशोधन 1956 में। फिर 8 में क्या आ जाएगा, केंद्र, राज्य क्षेत्र आ जाएगा। फिर आप इसको 3 ऐसे ग्रुप वाइज याद करेंगे। 9 में क्या है, पंचायतें हैं। आर्टिकल कितना है, 239 से 242 तक है। फिर 9 का, 9 का में क्या है, नगर पालिका, 243 आर्टिकल है। और ये 9 खा है, सहकारी समितियां, ये भी 243 में है। सहकारी छोटे स्तर पर हो जाएगा। फिर आ जाइए 10वीं अनुसूची में, 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 244। 11 भाग में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, इसमें आर्टिकल क्या है, 245 से 263। निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट है, 15 निर्वाचन। निर्वाचन का आर्टिकल कितना है, 324 से 329। ये भी जल्दी PCS में क्वेश्चन आया था, निर्वाचन का आर्टिकल पूछा था, तो 324 से 329 तक है। फिर आ जाइए राजभाषा, कौन सा भाग है, भाग है 17, क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा इसको, और ऐसे टेबल बना के लर्न करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। 17 भाग 17 में क्या है, राजभाषा, आर्टिकल 343 से 351 तक। फिर भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, आर्टिकल कितना है, 352 से 360। फिर आ जाइए 20, संविधान संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल कितना है, 368। कहां से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर से एक बार देखिएगा इसको,
ऐसे ग्रुप वाइज याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। चार का ग्रुप बनाइए, फिर ऐसे चार का ग्रुप बनाइए, फिर इधर तीन का ग्रुप बनाइए, लिख लिख के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे पहले में क्या है, सन एवं उसके राज्य क्षेत्र है, आरपी कितना है, एक से चार है। दूसरे में क्या है, नागरिकता का आरपी कितना है, पांच से ग्यारह है। तीसरे भाग में क्या है, तीसरे में है मौलिक अधिकार, तो उसका आरपी कितना हो जाएगा, बारह से पैंतीस हो जाएगा। फिर भाग चार में क्या है, नीति निर्देशक तत्व तो है, उसका आरपी कितना है, छत्तीस से इक्यावन हो जाएगा। फिर चार का है, चार का में क्या है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, आरपी कितना हो जाएगा, इक्यावन का हो जाएगा। इसी तरह पांच, भाग पांच में क्या है, संघ, छह में क्या है, राज्य, सात में क्या है, सात निरस्त कर दी गई है। फिर आठ हो जाएगा, आठ में संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। नौ में क्या है, पंचायतें हैं। नौ का में क्या है, नगर पालिका है। नौ खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। दस में क्या है, भाग दस में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। भारत में एक विशेष मतलब क्षेत्र में एक ऐसी जातियां पाई जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति, तो उसके लिए केंद्र ने उसके लिए अलग क्षेत्र निर्वाचित कर दिया गया है। तो इस आरपी कितना है, 244। भाग 11 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। 15 में क्या है, निर्वाचन है। आरपी तो बहुत कम आता है, भाग पूछ लेते, जैसे भाग 17 में राजभाषा, 15 में निर्वाचन, 11 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हो जाएगा। फिर 18 में आपात उपबंध हो जाएगा। 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया हो जाएगी, कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग कितने भारतीय संविधान में, तो भाग 22 है, लेकिन जैसे ये का बाद में जोड़ा गया, चार का, नौ का, नौ खा, तो ऐसे 25 हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो कितने भाग लगाएंगे, भाग 22 लगाएंगे। कितने अनुच्छेद है, तो 395 आर्टिकल्स है और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, चार संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ी गई थी। तो आप लोग ऐसे ग्रुप वाइज याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। थैंक यू।